आया। संजय जी ने हमें बताया, गुरु जी हम लोग इस नाम से हमारी संस्था है और हम ऐसे फंक्शन कर रहे हैं और उस फंक्शन में आपको आकर जो आप लोग देश में कन्याकुमारी से कश्मीर, गुजरात से आसाम का और देश के बाहर पूरे भ्रमण में सदगुरु रविदास जी का काम कर रहा है, तो एक तो आपको हमारे संस्था को आशीर्वाद देना है, दूसरा अपने विष्णु देवर कुलदेवर सदगुरु रविदास जी के बारे में और अपने धर्म के बारे में संदेश उपदेश देने हैं। इसलिए संजय जी का निमंत्रण स्वीकार कर हम यहां आए, आप लोगों को देखकर और मिलकर, आपका प्यार देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं मेरे तरफ से और हमारे धर्मगुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी सभी धर्मों को धर्म के गुरु हैं, वैसे हमारे धर्मगुरु विश्व के रविदासा लोगों के लिए 108 संत निरंजन दास महाराज जी वो हमारे कुल के वंश के सदगुरु रविदास महाराज जी के विचारधारा का पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए जो उन्होंने काम किया और जो उन्होंने मुझे प्रचार करने के लिए अपने धर्म का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देकर पूरे देश दुनिया में प्रचार करने का हम काम कर रहे हैं। तो आज संजय जी की पूरी टीम को मेरे तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और जो गुरुवंत जो रविदास वंश के अनुयायी प्रेमी जो आप लोग सभी यहाँ उपस्थित है मंच पर और सामने, मैं आप सबको बधाई देता हूं। सदगुरु रविदास जी के और परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग सुखी रहे, अच्छे रहे और आप सबके परिवार ठीक रहे। अभी हमारे हम सुखी कब रह सकते हैं, हमारे परिवार कब ठीक रह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हमारे इतिहासों को समझा है, कभी हम लोगों ने हमारे इतिहासों को संभालने का बढ़ाने का कभी काम किया है। बहुत सारे लोग सारे विश्व में कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसको सर्च करकर धारण नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उसका लाभ बेनिफिट हमारे रविदास वंश के लोगों को सदगुरु रविदास जी का अगर हमें लाभ मिलना है, अगर हम जीवन लेकर इस संसार में आए हैं, तो अगर इस संसार में हमें जीवन को सुखी रखने का मार्ग प्राप्त करना चाहिए है, तभी हम प्राप्त करने के बाद ही सुखी हो सकते हैं।